हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विदेश यात्रा चैनल। मैं हूँ मयूरी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम की जो डेट डिक्लेयर होने वाली थी जनवरी में, वो डेट और क्या उसके साथ आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सारी चीज़ हम डिस्कस करने वाले आज के वीडियो में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम की डेट के बारे में। तो उसकी डेट फाइनली आ गई है 17 से लेके 19 तक, और उसके लिए आपको 48 आवर की विंडो मिलेगी। 48 आवर के अंदर आपको ये एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है, इतने टाइम की ही विंडो आपके पास ओपन रहेगी। अब मैं आपको बता रही हूँ कि उसमें जो क्राइटेरियाज होते हैं, वो क्राइटेरिया किस तरह से डिसाइड किए हैं कि आपके पास वहाँ जब आपको यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम में, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, और उसकी जो डिटेल्स चाहिए प्रॉपर डिटेलिंग की, होता क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आई बटन पे आप क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपको जब ये वीज़ा मिल जाते हैं तो क्या करना होता है, और वहाँ पे जो क्राइटेरिया होता है वो किस तरह का होता है। तो आप जहाँ पे आप स्टूडेंट के लिए अप्लाई करते हो या फिर बिजनेस के लिए अप्लाई करते हो, तो अगर आप बिजनेस के लिए अप्लाई करते हो तो सबसे पहला आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है कि वहाँ पे आपका कोई भी चाइल्ड होगा, या इंडिया से जा रहे हो तो चाइल्ड होगा और आप ये मोबिलिटी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपकी एप्लीकेशन एलिजिबल नहीं रहेगी, क्योंकि आप सिंगल होंगे या फिर इंडिविजुअल हो गए तो आप बिजनेस के लिए जा सकते हो, बिकॉज ऑफ यहाँ पे आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो आप वो क्राइटेरिया में नहीं आ पाओगे। दूसरा है, आप वहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय को हायर नहीं कर सकते अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए ये वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो। और तीसरा है, वहाँ पे आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेस नहीं कर सकते, आपको रेंटल में, और रेंटल में भी एक क्राइटेरिया दिया गया हुआ है जो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये अमाउंट होती है, ये अमाउंट के नीचे ही आपकी प्रॉपर्टी होगी तभी आप वो बिजनेस कर पाते हो। तो ये जो आपको मैंने बताया वो होता है कि अगर आप यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम या यूथ मोबिलिटी वीज़ा में आप एलिजिबल होते हो, तो ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। दूसरा मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि उसकी एप्लीकेशन फ़ी, उसकी एप्लीकेशन फ़ीस आपको रहती है £244, जो आपको अप्लाई टाइम पर देनी रहती है। उसके बाद आपको टीवी का टेस्ट होता है, वो कंपलसरी रहता है जो वीज़ा के क्राइटेरिया में आता है, तो वो टीवी टेस्ट आपको कंपलसरी करवाना पड़ेगा, और उसका जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं वो आपको ऐड करने पड़ेंगे। और उसके बाद उसकी जो फीस होती है वो होती है £470 होती है, वो एनुअल होती है, यानी आप अगर 2 साल के लिए आपको वीज़ा मिलता है तो आपको 2 साल की इंडिविजुअल टीवी की जो भी फीस रहती है वो भरनी पड़ती है। उसके बाद आपके पास फ़ंड होना चाहिए, फ़ंड जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि 2530 जितनी अमाउंट होती है वो आपके अकाउंट में होनी चाहिए, ताकि आप वहाँ जाते हो तो सर्वाइव करने के लिए या जो भी बैलेंस दिखाने के लिए होती है, तो ये अमाउंट जो यहाँ पे मैंने बताई है वो आपके पास होनी चाहिए आपके अकाउंट में 21+ डे के साथ। तो ये एक क्राइटेरिया हो गया। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि प्रोसेस पूरा बैलेट सिस्टम पे होता है इंडिया के लिए, काफ़ी अदर कंट्रीज होती है वो कंट्रीज़ के अंदर इतना ज़्यादा उन्होंने बैलेट सिस्टम नहीं रखा है, बट पर्टिकुलर इंडिया के लिए इन्होंने बैलेट सिस्टम रखा है, और उसके साथ 2-3 और कंट्रीज़ भी है जो बैलेट सिस्टम में जाएगी, बट अदर कंट्रीज़ में इन लोगों ने बैलेट सिस्टम नहीं लगाई है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि ये जो यूथ मोबिलिटी वीज़ा है या प्रोग्राम है, उसको पर्टिकुलर डिज़ाइन इसके लिए किया है कि आप कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम में जा सको, यानी कोई एक कंट्री है जिसको यूके में जाके वो यूके के जो कल्चर को एक्सप्लोर करना है, उसके साथ वहाँ रह के 2 ईयर के अंदर आप उसकी यूके को पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो, या बिजनेस पर्पस से या स्टडी पर्पस से, तो ये प्रोग्राम उसके पर्पस से ही बनाया है। अब उसके बाद आप सोच रहे हो कि आपको किस तरह से एप्लीकेशन देनी है, अगर 17 जैन को आपकी विंडो ओपन होती है, राइट? तो ये जो विंडो ओपन होती है 17 जैन टू 19 के लिए, तो ये विंडो के अंदर आपको एक लेटर या मेल करना पड़ता है, वो मेल आईडी वेबसाइट पर डिस्प्ले करेंगे, अभी तक डिस्प्ले नहीं हुआ है, और मैं उसकी जो भी पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होती है मैं लिंक बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो आप वहाँ पर देख लेना। अब ये जो प्रोसेस होता है उसके अंदर आपको मेल करना पड़ता है, मेल के अंदर प्रॉपर आपके बारे में प्रिसाइजली लिखना है कि आप क्या करने वाले हो, अभी क्या कर रहे हो, आपका जो बिजनेस स्टेटस है, एजुकेशन सिस्टम है, जो भी पूरा का पूरा आपका जो बायो होता है, डिटेलिंग बायो विथ समथिंग लाइक रेज्यूमे और एप्लीकेशन फॉर्म, तो उस तरह से आप पूरा डिटेल में लिखो, और उसके साथ आपको अटैचमेंट करना रहता है ताकि जो भी एप्लीकेंट है
उसकी डिटेल उनको मिल जाए, जैसे कि आपका पासपोर्ट है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट है और आपका पासपोर्ट, ये इतने डॉक्यूमेंट आप उसके साथ अटैच करके आप मेल करना, जब मेल आईडी डिस्प्ले हो जाता है तब, तो ये मेल करते हो तो आपके एप्लीकेशन का एक प्रोसेस हो जाता है। तो ओवरऑल द वीडियो में ये था कि डेट आपको बता दी हमने, 17 से लेके 19 तक आपकी डेट आती है और उसके अंदर आपको पूरा ये डिटेल के साथ अप्लाई करना है। और वन मोर थिंग, ये विंडो नेक्स्ट टाइम ओपन होती है, अगर जनवरी में आपके पास अपॉर्चुनिटी आपकी मिस हो जाती है या फिर कुछ सिचुएशन की वजह से आप अप्लाई नहीं कर पाते हो, तो सेम प्रोसेस वापस से जुलाई के सेकेंड हाफ में या फिर पूरे मंथ में कभी भी ये लोग डेट डिस्प्ले करेंगे कि डिक्लेयर करेंगे कि आपको सेकेंड टाइम अप्लाई करना है, ये जनवरी इनटेक आपकी मिस हो गई तो जुलाई में आपके लिए बेटर सेकेंड चांस मिल जाएगा। तो आपको पूरी की पूरी डिटेल मैंने डेट के साथ बता दी यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम के लिए। तो अगर आपको कोई और डिटेल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके आप पूरी डिटेल में स्टडी कर लो एक बार और उसके बाद आप आपकी प्रिपरेशन कर दो। और मैं आपको थोड़े बहुत फॉर्मेट भी देती हूँ वर्ड डॉक्यूमेंट में अटैच करके कि वहाँ पे किस तरह से आपको पूरी एप्लीकेशन मेल करनी रहेगी, तो आपको हेल्प भी हो जाएगा। ठीक है, मैं हूँ मयूरी, साइनिंग ऑफ, जय हिंद।